उसने कहा ना तो ये दिन है ना ही रात्रि है, ये संध्या काल है। भगवान ने कहा बाहर है कि भीतर? उसने कहा ना बाहर हूँ ना भीतर, बीचों बीच देवड़ी पर अपने भयंकर नाखूनों को दिखाया। देख कि मेरे नाखून अस्त्र हैं कि शस्त्र? उसने कहा ना तो अस्त्र हैं ना ही शस्त्र हैं। मुझे देख, मैं मनुष्य हूं कि पशु? उसने कहा ना तो आप मनुष्य हैं ना ही पशु हैं। भयंकर नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यपु के उदर को विदीर्ण कर दिया, दैत्य को समाप्त कर दिया भगवान ने। हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर नृसिंह भगवान जाकर के विराजमान हो गए, इसलिए कि इस दैत्य के द्वारा दूषित सिंहासन पर मेरा भक्त प्रहलाद बैठे, उससे पहले मैं उस सिंहासन पर बैठ करके उसको पवित्र बना दूं। यद्यपि भगवान ने दैत्य का संहार कर दिया, लेकिन भगवान जब पिछली बातें याद करने लगे, इस हिरण्यकश्यपु ने मेरे भक्त प्रहलाद को कितना सताया ये याद करने लगे, तो भगवान का क्रोध बढ़ने लगा। ब्रह्मा इंद्रादि देवता चले हैं भगवान को बधाई देने के लिए, देवताओं ने भगवान का भयंकर क्रोध देखा तो पास में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, दूर खड़े होकर के दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। देवताओं ने सोचा अगर हम भगवान के सामने जाएं तो भगवान का ये क्रोध कहीं हमारे ऊपर न उतर जाए, लेकिन ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान के क्रोध को शांत करना चाहिए, करें क्या? देवताओं ने कहा एक तरीका है, लक्ष्मी जी का आवाहन किया। लक्ष्मी जी कहने लगे देवताओं तुम इतने डरपोक हो, अभी मैं 16 श्रृंगार करके इनके सामने जाऊंगी, मेरे सौंदर्य को देख करके इनका सारा क्रोध कपूर की तरह उड़ जाएगा। लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके भगवान के सामने गई, नृसिंह भगवान ने इतनी जोरों की गर्जना किया, लक्ष्मी जी भाग खड़ी हुई, गिरते गिरते बची। देवताओं के पास आकर के कहने लगी ये मेरे दूल्हा नहीं, ये तो कोई और होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का क्रोध शांत करना चाहिए, नहीं तो असमय में प्रलय हो जाएगी, लेकिन करें क्या? तब तक प्रहलाद जी पर उनकी दृष्टि पड़ी, प्रहलाद जी को बुलाया। ब्रह्मा जी कहने लगे वत्स प्रहलाद, तुम ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते? भला प्रहलाद जी को भगवान से क्या भय? गए प्रहलाद जी, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कहाँ तो भगवान के नेत्रों से क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी, लेकिन स्वपाद मूले पतितम तमर्भ कम विलोक के देवा कृपया परिप्लुता। अपने भक्त को चरणों में पड़ा हुआ देख करके भगवान का सारा क्रोध न जाने कहाँ गया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलक पड़े, भगवान सिंहासन से उतर पड़े, चरणों में पड़े हुए प्रहलाद जी को उठाया, हृदय से लगाया, सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में बिठा रखा है और आज भगवान रो रहे हैं, रोते रोते अपने भक्त प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं, ये हिरण्यकश्यपु दैत्य तुमको सताता रहा, मैं समय से आकर के तुम्हारी रक्षा न कर सका, वत्स प्रहलाद मुझे क्षमा करो और मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। प्रहलाद जी कहने लगे भगवान अगर आप प्रसन्न हैं मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए, मेरे पिताजी ने पूरे जीवन आपका विरोध किया, आपकी निंदा की, मेरे पिताजी को नरक में न जाना पड़े। देखिए भगवान का भक्त कितना भोला होता है, कितना सरल होता है। जिस हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को सताने में मारने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, उन्हीं प्रहलाद के सामने साक्षात भगवान पधारे हैं, लेकिन उनको अपनी चिंता नहीं, उसके लिए वरदान मांगते हैं मेरे पिताजी को नरक में न जाना पड़े। भगवान का भक्त कितना भोला होता है, कितना सरल होता है, कितना वैर शून्य होता है। भगवान कहने लगे वत्स प्रहलाद क्या तुम समझते हो तुम्हारे भक्त को नरक में जाना पड़ेगा? अरे त्रिसप्तभी पिता पूता पितृवी सा तेन अघ, जिस पिता को तुम्हारे जैसा पुत्र मिल जाए उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आज भगवान ने प्रहलाद जी के सामने प्रतिज्ञा किया, आज के बाद तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूँगा। ये प्रसंग सुना रहे हैं नारद जी, राजस्व यज्ञ के प्रसंग में नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर को ये प्रसंग सुना रहे हैं। नारद जी कहने लगे देखिए धर्मराज, हिरण्यकश्यपु ने शत्रु भाव से भगवान का चिंतन किया, उसको तो भगवान, उसको भी भगवान मिले, प्रहलाद जी को तो भगवान मिले, उन्होंने भावपूर्वक भगवान का चिंतन किया, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमारे यहाँ 4 वर्ण होते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास
चार आश्रम होते हैं, जो जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए वो भगवान की आराधना करे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आगे चल करके मन्वंतरों का वर्णन है। देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग होते हैं। सबसे छोटा कलयुग, उससे बड़ा द्वापर, उससे बड़ा त्रेता, उससे बड़ा सतयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। लोग पूछा करते हैं अभी कलयुग कितना बाकी है, अभी तो 4,00,000 अलग से रखे हैं, 32,000 वर्ष में केवल 5100 वर्ष व्यतीत हुए। एक अवसर आएगा, आदमी आदमी को पकड़ करके खा जाएगा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग 71 बार व्यतीत हो जाए, इतने लंबे समय को बोलते हैं एक मन्वंतर। ऐसे 14 मन्वंतर हो जाए उसको बोलते हैं एक कल्प। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, इतना बड़ा उनका दिन होता है और इतनी बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल की। इस समय जो ब्रह्मा हैं वो 50 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। संकल्प में हम लोग बोला करते हैं ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वार्ध गया, उत्तरार्ध चल रहा है। 100 साल पूरे होने पर ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सारे पद आने जाने वाले हैं, केवल भक्ति का पद शाश्वत है, स्थिर है। हम में से कितने ऐसे होंगे जो ब्रह्मा बन चुके होंगे। 14 मन्वंतर होते हैं, प्रत्येक मन्वंतर में भगवान के अवतार होते हैं, अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग सप्तर्षि होते हैं। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बताया, तामस मन्वंतर में भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करने के लिए हरि नामक अवतार धारण किया। महाराज आश्चर्यचकित हो गए, गजेंद्र माने हाथी, हाथी तो एक पशु होता है, पशु ने भगवान की कैसी भक्ति की होगी कि भगवान को अवतार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ मनुष्य ही भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। इस प्रसंग को सुनाइए, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। आसीद गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का बड़ा विशाल पर्वत था, 10,000 योजन उसका विस्तार था। बड़े ऊंचे ऊंचे इस पर्वत के शिखर थे, वो पर्वत अनेक प्रकार के रत्नों की खानी था। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं पर्वत की शोभा बढ़ा रहे थे। उस पर्वत में बड़ी सुंदर सुंदर कंदराएं थी। ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों से उस पर्वत की कंदरा में समाधि लगा करके बैठे थे। स्वर्ग के देवता उस पर्वत की कंदराओं में आकर के अप्सराओं के साथ में विहार करते थे। उसी पर्वत के वन में एक गजेंद्र रहता था। गजेंद्र माने हाथी, बड़ा शक्तिशाली ये गजेंद्र था। वैसे तो आप जानते हैं हाथी को सिंह पछाड़ देता है, सिंह पराजित कर देता है, क्योंकि सिंह वन का राजा है। लेकिन ये गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि सिंह भी इसके सामने आने की हिम्मत नहीं करते थे। इस गजेंद्र के शरीर में से ऐसी गंध निकलती थी कि उस गंध को सूंघ करके सिंह दूर दूर भागा करते थे। एक बार गर्मी का मौसम था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। हाथी को गर्मी ज्यादा लगा करती है, और हम समझते हैं जिसका शरीर जितना मोटा होता है उसको उतनी ज्यादा गर्मी लगती है। हाथी को बड़े जोरों की गर्मी लगी, बड़े जोरों की प्यास लगी। उसी पर्वत में थोड़ी दूरी पर एक बहुत सुंदर सरोवर था, तालाब था। गजेंद्र चल पड़ा अपनी प्यास को मिटाने के लिए, अपने ताप को शांत करने के लिए उस सरोवर की ओर। तो इसकी पत्नी, इसके पुत्र, इसकी मित्र मंडली, परिवार वाले सब के सब आगे पीछे चल पड़े। मतवाला गजेंद्र अपने सूंड के द्वारा बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ता हुआ, पैरों से रौंदता हुआ चला जा रहा है सरोवर की ओर। सरोवर के पास पहुंचा, बहुत सुंदर सरोवर है। सरो नीलम पंकज रेणु रूषितम जिघ्रन विदुरान मद विह्वलेक्षणा। सरोवर बहुत सुंदर शीतल सुगंधित जल से परिपूर्ण है सरोवर। कमल खिले हैं, भौंरे गुंजार कर रहे हैं। गजेंद्र ने सरोवर में प्रवेश करके स्नान किया, जल का पान किया, उसे बहुत शांति मिली।
लेकिन भाई ये सब करने के बाद आपस में मिल करके गजेंद्र क्रीड़ा करने लगा, एक दूसरे के ऊपर पानी उलीचने लगे, खेल खेलने लगे, समय का पता नहीं चला, बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उसी सरोवर में रहता था एक ग्राह, नीचे से आया ग्राह और गजेंद्र के पैर को पकड़ा। अब तो गजेंद्र को होश आया, अरे ये क्या हुआ, अगर पहले ही निकल गए होते तो ये स्थिति नहीं आती। इस कथा का एक दूसरा भी अर्थ है जो हमारे आपके बड़े काम का है, ध्यान से सुनेंगे। ये संसार ही एक सरोवर है, हम जितने जीव हैं सब गजेंद्र है, जीव रूपी गजेंद्र संसार रूपी सरोवर में आता है, पत्नी पुत्र परिवार मित्र मंडली के साथ में खेल खेलने में क्रीड़ा करने में इतना तन्मय होता है, इसे समय का पता नहीं चलता। कब बचपन बीता, जवानी आई, जवानी गई, वृद्धावस्था आई, और एक दिन आता है काल रूपी ग्राह जब आ करके हमारे पैरों को पकड़ता है, तब हमें होश आता है, अरे ये क्या हुआ, हमारे जीवन का सायंकाल आ गया, हमारे जीवन का सूर्यास्त होने वाला है। लेकिन भाई ऐसे अवसर पर भी अगर ये संभल जाए, भगवान की स्मृति में तन्मय हो जाए, तो इसका जीवन धन्य हो जाए। गजेंद्र के पैर को पकड़ करके ग्राह सरोवर में खींचे ले जा रहा है, इसकी पत्नी पुत्र परिवार मित्र मंडली सब के सब किनारा कर गए, बाहर निकल गए अकेला, इसे सरोवर में छोड़ करके घर